तो सेट टू चेंज कर दिया मैंने किसमें, टोल्ड में। ओके मी लिखो, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाओगे तो क्या रखोगे, दैट। अच्छा इसके बाद से आपको क्या देखना है, एस ओ एन, एस का मतलब है आपको सब्जेक्ट, ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट और एन का मतलब है नो चेंज। ओके एस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट और एन का मतलब है नो चेंज, ये एन है। ओके एन का मतलब क्या है, तो आप कहोगे नो चेंज। अच्छा अगर फर्स्ट पर्सन है तो चेंज करोगे किससे, सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से, और थर्ड पर्सन आप कहोगे एन का मतलब है नो चेंज, यानी बदला ही नहीं जाएगा। ओके तो आप सेकंड थर्ड पर्सन को तो बदलेंगे नहीं। अच्छा ये ही क्या है, तो आप कहोगे ही अपने आप में थर्ड पर्सन ही तो है और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, तो आप क्या रखोगे उसको एज इट इज सेम लिख लो। अच्छा उसके बाद से आपको क्या करना है, ये भाई वर्ब है और अभी अभी हमने क्या पढ़ा था कि वर्ब ही तो टेंस बनाती है, तो इसका मतलब टेंस यही तो है। आपको ये चेक करना है कि ये इज अपने आप में क्या है, तो आप कहोगे फर्स्ट फॉर्म। अच्छा फर्स्ट फॉर्म जो भी है वो चेंज होकर के क्या हो जाती है, सेकंड, और सेकंड फॉर्म चेंज होकर क्या हो जाएगी, हैड। तो ये चेंजिंग आपको याद रखनी है, अगर फर्स्ट फॉर्म है तो चेंज होकर के क्या करोगे, सेकंड। तो आपको इज की सेकंड फॉर्म लिखनी है और इज की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉच। उसके बाद से दूसरा शब्द है माय। अच्छा माय शब्द भी आप पढ़ोगे तो आप पाओगे प्रोनाउन चेंजिंग में हमने इसको भी पढ़ा। ओके प्रोनाउन चेंजिंग में हमने इस शब्द को भी पढ़ा है और ये शब्द आप कहोगे आपकी प्रोनाउन चेंजिंग वाली लिस्ट में है। जो शब्द आपकी प्रोनाउन चेंजिंग लिस्ट में आते हैं तो आप उन शब्दों को चेंज करते हो, राइट। उन शब्दों को हम लोग क्या करेंगे, उन्हें आप चेंज करोगे। आप चेंज करेंगे तो किस प्रकार से, भाई ये क्या है माई, आप कहोगे कौन सा पर्सन है, तो आप कहोगे फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज कैसे हो रहा है, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमें देखने किसमें, तो आप कहोगे आरबी, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर। ओके तो रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर ही हम लोग क्या है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जो देखते हैं ना, वो आप कहोगे आरबी, रिपोर्टिंग वर्ब में देखोगे। ये फर्स्ट पर्सन है, चेंज कैसे करोगे, सब्जेक्ट से। ओके फर्स्ट पर्सन है, चेंज कैसे करोगे, सब्जेक्ट से। अच्छा उसके बाद से चेंजिंग का नियम क्या कहता है, तो आप कहोगे चेंज का मतलब ही क्या होता है, बदलना। भाई चेंज का मतलब क्या है, बदलना। अब आप एक बात तो समझ सकते हो कि कोई भी चीज हम किसी से तब बदल सकते हैं जब दोनों की वैल्यू बराबर हो। भाई मान लो मेरे पास 500 का नोट है, तुम्हारे पास 2000 का नोट है, मैं कहूँ बदल लो, तो क्या बदलोगे आप, नहीं बदलोगे। क्यों नहीं बदलेंगे, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम नहीं है। तो ये याद रखो, हम बदलाव कब कर सकते हैं, बदलाव आप तभी करोगे यानी उन शब्दों को जो चेंज करते हैं, तो चेंज करने के बाद क्या होना चाहिए, वैल्यू बराबर होनी चाहिए, राइट, यानी कि सेम टाइप के वर्ड होने चाहिए। चेंजिंग किसमें होगी, तो आप कहोगे सेम, ओके वर्ड्स के अंदर, सेम वर्ड्स होने चाहिए, सेम ही उनकी यानी क्या होनी चाहिए, केस होना चाहिए। माई कौन सा केस है, तो आप कहोगे पजेसिव, इसका मतलब पजेसिव की जगह पजेसिव ही लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट ही लिखा जाएगा, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ही लिखा जाएगा। ये आप चेंज किससे कर रहे हैं भाई, ही से, तो इसका मतलब इस ही को क्या करके लिखेंगे आप, इसकी जगह लिखना है, लेकिन कौन से क्या बना के लिखना है, किस केस में लिखना है, आप कहोगे पजेसिव केस में। तो ही का पजेसिव क्या होगा, तो आप कहोगे ही का पजेसिव ही जो होता है। ओके और ये तो चेंज होने वाला वर्ड नहीं है, तो आप इसे एज इट इज रखो। ओके जो चेंजिंग आपके चेंजिंग वाले लिस्ट में जो अभी अभी हमने लिखे हुए हैं, उन चेंजिंग लिस्ट में जो शब्द आते हैं वो चेंज होंगे, जो नहीं आते वो चेंज नहीं होंगे, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, देखो भाई अब आपको क्या करना है, इन द सेम वे अभी अभी हमने जो चीजें समझी हैं उसी प्रकार से आप इनकी चेंजिंग कर सकते हो। किस प्रकार से करोगे, देखो ही सेट टू मी, तो सेट टू का ऑब्जेक्ट दिया है और ऑब्जेक्ट दिया है, तब आप सेट टू चेंज करोगे किसमें, टोल्ड में, तो ही टोल्ड मी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाओगे तो क्या लिखोगे, तो आप कहोगे दैट। अच्छा दैट के बाद से देखो क्या करना है आपको, जो भी चेंजिंग होगी ना, तो वो आप कहोगे इस रिपोर्टिंग वर्ब में तो सिर्फ हमें सेट बदलना है, बाकी की चेंजिंग जो भी होंगी ना वो आर एस के वाक्यों में ही होती है। अब देखो आई क्या है अपने आप में, आप कहोगे ये फर्स्ट पर्सन है, भाई फर्स्ट पर्सन कैसे बदलता है, सब्जेक्ट से, तो याद रखो यानी कैसे सब्जेक्ट से बदलो। अब आई को मैं बदल रहा हूँ किससे, ही से, तो मैं इस ही को क्या रखूंगा, या आई क्या है अपने आप में, तो तुम कहोगे सब्जेक्ट है, तो भाई सब्जेक्ट की जगह भी तो सब्जेक्ट ही लिखा जाएगा, लेकिन लिखा किसका जाएगा, जिससे हम इसे बदल रहे हैं, बदल कैसे रहे, ही से, तो ही को क्या लिखोगे सब्जेक्ट में, और ही का सब्जेक्ट तो आप कहोगे ही खुद सब्जेक्ट है अपने आप में,
तो सब्जेक्ट रखो। अच्छा एम आपको कहोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म चेंज होकर क्या हो जाती है, सेकंड, एम का सेकंड फॉर्म। तो एम की सेकंड क्या होती है, वॉच। अब इसमें तो कोई चेंजिंग वाला वर्ड ही नहीं है, हम बात कर रहे थे चेंजिंग होने के तरीके जो भी है ना वो किसके कारण चेंज हो रहे हैं। देखो ये सब क्या है, आपको कॉमन वेटेड कॉमा, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा को चेंज करने वाले ही तो तरीके अभी हमने कहे थे कि ये चेंजिंग किसके कारण हो रही है, इन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के कारण। अब देखो दूसरी बात क्या है भाई, ये सेंटेंस अपने आप में कॉमन इन्वर्टेड कॉमा क्यों लगे, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, तो तुम कहोगे एक एक्सेप्शन है। देखो ये पास्ट का है, ये देखो प्रेजेंट का है, और पास्ट और प्रेजेंट एक सेंटेंस में नहीं हो सकते, इसीलिए आपने क्या किया भाई, इसको ये पास्ट तो है ही और इसको भी मैंने पास्ट क्यों किया है, क्योंकि एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए, एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। ये एम लिखना अपने आप में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, ये अपने आप में सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म है तो आगे भी सेकंड ही होनी चाहिए, इसीलिए तो हम इधर फर्स्ट वाली जितनी है सबको चेंज करके क्या कर रहे हैं, सेकंड फॉर्म में क्यों लिखे जा रहे हैं, इसीलिए तो जा रहे हैं क्योंकि हमारा एक्सेप्शन जो आ रहा है ना वो खत्म हो सके, तो एक्सेप्शन चेंज करते पास्ट करते एक्सेप्शन ये हट गया, और एक्सेप्शन हटते हमारा सेंटेंस क्या है ना इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। देखो नेक्स्ट सेंटेंस है, ही सेड टू मी कॉमन इन्वर्टेड कॉमा ही वेंट टू लखनऊ। देखो ये वाला सेंटेंस आपको पास्ट का है और रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। ये सेंटेंस भी देखोगे तो ये भी अपने आप में क्या है, तुम कहोगे पास्ट का है, और ये अपने आप में क्या कहोगे, आरएस कहोगे। अच्छा हमने इसमें इन्वर्टेड कॉमा क्यों लगाया, अब आपको थोड़ा सा डाउट होगा, आप क्या सोचोगे, अरे भाई चलो ये तो हमने मान लिया कि इधर क्या था, पास्ट था, इधर प्रेजेंट था, एक्सेप्शन हुआ, इस सेंटेंस में एक्सेप्शन बताओ, इस सेंटेंस में एक्सेप्शन क्या है भाई। ये वाला सेंटेंस भी आपको पास्ट का है और से ये वाला भी पास्ट का है, तो जब दोनों सेंटेंस पास्ट के हैं तो फिर इसमें एक्सेप्शन क्या है। अब आप देखो जितने भी वर्ड लिखे हैं वो भी सभी अपने आप में क्या है, इंग्लिश के वर्ड है, ऐसा तो नहीं है कोई इंग्लिश वाले वर्डों में हिंदी का शब्द लिखा हो या अन्य कोई भाषा का शब्द लिखा हो, नहीं है, ये सब अपने आप में आपको इंग्लिश वाले शब्द हैं, ओके, और इंग्लिश वाले शब्द हैं तो फिर एक्सेप्शन ढूंढने में आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लिखे हुए इसका मतलब एक्सेप्शन तो है, क्योंकि कॉमन इन्वर्टेड कॉमा लगाई तभी जाएंगे जब एक्सेप्शन होगा। तो एक्सेप्शन क्या है, ओके दिस इज टू नो, आपको बस यही तो जानना है कि एक्सेप्शन क्या है। फिर इसके अंदर देखो एक बात सोच के देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूं और आप समझने का प्रयास करेंगे कि ये एक्सेप्शन क्यों हुआ अपने आप में, ओके तो आप समझेंगे। देखो ही सेड टू मी, मान लो मैं अपने एक मित्र से मिलने गया, मैं भाई उसके घर पर पहुंचा, अब मैं जैसे उसके घर पर पहुंचा तो पता है मैंने उसे आवाज दी, तो उसकी मॉम ओके घर से बाहर निकल कर के आई, उनने कहा हाँ बताइए कैसे आना हुआ, मैंने बोला भाई राहुल से मिलना है। अच्छा ये मान लो ये ही कौन है, मैं चाहूँ तो इसे राहुल कह सकता हूँ, और इसे राहुल को ही मैंने क्या लिखा हुआ है, ही लिख लिया है, मैंने कहा राहुल से मिलना है, उनने बोल दिया राहुल तो मार्केट चला गया। अच्छा जरा सोच के देखो मैं कब गया था मिलने, कल के दिन। अच्छा कल मैं गया था तो जैसी बात है ये क्या हुआ अपने आप में भाई, पास्ट तो हुआ ही ना जब मैं गया था तो। लेकिन आप जरा ये सोच के देखो जब मैं उसके घर पर पहुंचा तो राहुल से मेरी मुलाकात नहीं हुई, पता है क्यों, क्योंकि जब मैं वहां पहुंचा था राहुल उससे भी पहले आप कहोगे यानी कि उससे भी पहले कहां बाजार जा चुका था, तो कोई भी काम पास्ट में हुआ लेकिन उस पास्ट से पहले एक और काम हो गया, यानी जो पास्ट से भी पहले हुआ है, जो पास्ट से भी पहले हुआ है वो रियल में पास्ट नहीं होता, आप उसे कहोगे वो होता है पास्ट ऑफ द पास्ट, यानी कि वो पास्ट का भी पास्ट हुआ रियल में, ओके वो क्या हुआ, तो आप कहोगे वो पास्ट का भी पास्ट है भाई, जो पास्ट से पहले हुआ है वो क्या है, तो तुम यही कहोगे ना वो पास्ट का भी पास्ट हुआ भाई। कोई चीज मान लो मैंने अभी अभी खत्म की और एक काम मैंने दो घंटे पहले खत्म किया, ओके भाई कोई काम तो मान लो मैं कहता हूं इस समय जैसे ओके 8 बजे हुए, अब मैं कह रहा हूं कि कोई एक काम तो मैंने 8 बजे कंप्लीट किया है, एक काम मैंने 7 बजे कंप्लीट किया, तो इसका मतलब ये इसका पास्ट हुआ, राइट। अच्छा एक काम मैंने 5 बजे खत्म किया, तो इसका मतलब आप कहोगे ये 5 बजना अपने आप में इसका भी पास्ट हुआ, राइट, और जो पास्ट का भी पास्ट है उसी को तो आप कहोगे पास्ट ऑफ द पास्ट, ये क्या हुआ अपने आप में पास्ट ऑफ द पास्ट, और पास्ट ऑफ द पास्ट को ही आप दूसरे नाम से क्या बोल सकते हो, पास्ट परफेक्ट, क्या कह सकते हो उसको, पास्ट परफेक्ट कह सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि रियल में ये अपने आप में
एक पास्ट ऑफ द, पास्ट का टेंस है ये अपने आप में पास्ट का टेंस है, तो पास्ट का टेंस और ये पास्ट ऑफ द पास्ट का टेंस, लेकिन हमने लिखा किस में है, पास्ट में, ये भी पास्ट है ये भी पास्ट है। अब आप समझ सकते हो कि दोनों कार्यों के होने का जो समय है वो दोनों का अलग अलग है। भाई जब मैं उसके घर पर गया, ओके, उससे मेरी मुलाकात नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, ना होने का कारण है क्योंकि वो वो आप कहोगे यानी क्या है बाजार चला गया था या वो मान लो लखनऊ चला गया था, तो आप जरा सोच के देखो भाई मैं उसके घर पर गया और वो अगर उसी टाइम पर लखनऊ जा रहा होता फिर तो मेरी मुलाकात हो जाती ना। इसका मतलब मेरे जाने से पहले तो गया होगा वो, और पहले गया होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं उसके घर पे पास्ट में गया लेकिन उस पास्ट से भी पहले वो चला गया, तो ये हुआ आपका पास्ट ऑफ द पास्ट। ओके, और पास्ट ऑफ द पास्ट है, पास्ट का भी जो पास्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, पास्ट ऑफ द पास्ट। बस आप जब इस सेंटेंस को चेंज करोगे तो सेट टू जो है वो चेंज होकर के क्या बन जाएगा आपका, टोल्ड। ओके, मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा रखोगे तो क्या हो जाएगा, दैट, ये हटाओ दैट लगाओ। अब दैट लगाने के बाद से देखो ही क्या अपने आप में, आप कहोगे ये तो थर्ड पर्सन है चेंज नहीं होगा, वेंट कौन सी फॉर्म है, सेकंड। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये सेकंड फॉर्म होगी तो चेंज होके क्या हो जाएगा, हैड। अब आप ये भी समझ लो कि रियल में हम सेकंड फॉर्म को हैड क्यों कर रहे हैं, हैड इसीलिए तो कर रहे हैं क्योंकि जहां सेकंड फॉर्म आएगी वहां रियल में सेकंड फॉर्म नहीं आनी चाहिए थी, वहां आना क्या चाहिए था, आप कहोगे पास्ट ऑफ द पास्ट, और पास्ट ऑफ द पास्ट का दूसरा मतलब आप कहोगे पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट कैसे बनता है, आप कहोगे हैड से बनता है भाई, जो कोई काम पास्ट में हुआ उस पास्ट से एक और पहले हुआ तो उस काम को बताने के लिए क्या लगाते हैं, हेड लगाते हैं, इसीलिए तो ये चेंज होकर के क्या हो जाती है, आप कहोगे वो हेड बन जाती है, इसीलिए आप यहाँ क्या लिखोगे, हेड। ओके, हेड लिख लिया। अब हेड को क्या चाहिए, तो तुम कहोगे आगे थर्ड फॉर्म चाहिए। ओके, हेड को क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म। अच्छा, वेंट कौन सी फॉर्म है, सेकंड, तो इसे थर्ड कर दो और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, गॉन। ओके, टू लखनऊ। तो रियलिटी में जैसे आप ये कॉमन इनवर्टेड कॉमा देखो इसमें से हट गए, कॉमन इनवर्टेड कॉमा हटने का मतलब ही क्या हुआ, देखो अगर ये पास्ट का है तो ये फिर भाई पास्ट ऑफ द पास्ट का होगा, क्योंकि दोनों के काम का, दोनों के जो एक्शन दो हुए हैं, दोनों के होने का टाइम अलग अलग है, ये अलग टाइम पर हुआ है, ये अलग टाइम पर एक्शन हुआ। मैं उसके घर पर पहुंचा, ये एक अलग समय था, वो बाद लखनऊ गया था, ये उससे भी पहले का टाइम था। जब दो काम अलग अलग समय पे हुए हैं तो आप जरा सोचो वो दोनों एक ही टेंस कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना। कोई काम आपने अभी किया है, एक काम आपने सुबह किया है, तो क्या दोनों का अगर समय अलग अलग है तो क्या दोनों के टेंस एक हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते। इसीलिए दोनों के टेंस देखो एक ही है, ये पास्ट इंडिफिनिट, ये भी पास्ट इंडिफिनिट, तो आप कहोगे दिस इज द एक्सेप्शन। यही तो एक्सेप्शन है कि ये पास्ट है तो ये पास्ट कैसे हो सकता है, क्योंकि ये अगर पास्ट है तो ये काम उससे भी पहले हुआ होगा, तो ये कौन सा होना चाहिए, ये पास्ट ऑफ द पास्ट होना चाहिए, इसीलिए मैंने इसे चेंज किया तो पास्ट ऑफ द पास्ट कर दिया, और पास्ट ऑफ द पास्ट करते ही आपका क्या हो गया, आपको हो गया एक्सेप्शन खत्म हुआ और आपका सेंटेंस इनडायरेक्ट में चेंज हुआ। देखो भी नेक्स्ट सेंटेंस है और क्या लिखा हुआ है, और शी सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई हैव बॉट अ कार। देखो इस सेड का अब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप क्या रखोगे, इसे एज इट इज रखो। कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाओगे तो क्या लिखोगे, दैट आई, आप कहोगे एक स्पीकर है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट कहाँ है, आप कहोगे ये रहा सब्जेक्ट। अब आप ये जानते हैं कि भाई चेंजिंग जो होती है ना वो सेम टाइप की चीजों में होती है, अगर ये सब्जेक्ट है तो इसकी जगह में जो लिखूंगा वो भी सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन होना किसका चाहिए, जिससे बदलती है उसका, बदल के सिराए सी से, तो सी को क्या लिखोगे सब्जेक्ट में, और सी का सब्जेक्ट आप जानते हो सी ही होता है, राइट। अच्छा, हैव कौन सी फॉर्म है, तो आप कहोगे फर्स्ट फॉर्म, बताओ फर्स्ट फॉर्म चेंज होकर क्या होती है, तो आप कहोगे सेकंड, और हैव का सेकंड क्या होता है, हैड। उसके बाद से क्या लिखोगे, बॉट अ कार, इसमें कोई चेंजिंग वाला वर्ड नहीं है, एज इट इज रखो। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, देखो भाई सेंटेंस है ही सेट टू बी, क्या करोगे, सेट टू को चेंज करो, टोल्ड हो गया, कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाओगे तो आप कहोगे दैट हो गया। अच्छा देखो ही तो थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता,
वॉज क्या है, तो आप कहोगे वॉज तो सेकंड फॉर्म होती है। अच्छा सेकंड फॉर्म किस में बदलती है भाई, तो आप कहोगे सेकंड फॉर्म बदलती है हेड में, तो बदल दो हेड में। अच्छा हेड के साथ कौन सी फॉर्म लिखी जाएगी आगे, तो आप कहोगे थर्ड फॉर्म। तो बताइए इस वॉज की थर्ड फॉर्म क्या होगी, तो आप कहोगे वॉज की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। ओके वॉज को थर्ड में चेंज करो तो क्या बनेगा, बीन। और ये आगे लिख दो आर डॉक्टर। ओके तो इस तरीके से कोई सा भी सेंटेंस में आप याद रखोगे टेंस चेंजिंग क्या होती है, फर्स्ट चेंजिंग टू सेकंड एंड सेकंड चेंजिंग टू हैड। देखो नेक्स्ट सेंटेंस है, सी सेट टू सोहन कॉमा इनवर्टेड कॉमा यू कैन नॉट डू इट। अब क्या करोगे, ये सेट टू चेंज करोगे तो क्या बनेगा, टोल्ड सोहन। कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाओ, क्या लिखोगे दैट। देखो यू क्या है अपने आप में, सेकंड पर्सन, ये याद रखो सेकंड पर्सन किससे बदलता है, ऑब्जेक्ट से। और ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ आपको अपने पड़ोस वाले से बदल दो, यानी कि पड़ोसी से। यू को याद रखना हमेशा किससे बदलोगे, अपने पड़ोसी से। ठीक है तो यू का पड़ोसी तो यही हुआ ना सोहन, तो आप क्या लिखोगे दैट, दैट के बाद से ऐसे चेंज करोगे। अब भाई मैं यू को बदल रहा हूँ किससे बदल रहा हूँ, सोहन से। सोहन कोई व्यक्ति, कोई लड़का, इस लड़के को मैं चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, आप कहोगे ही लिख सकते हो। ठीक है मैंने ही लिख दिया। अब दूसरी बात देखो कैन, तो कैन क्या अपने आप में, आप कहोगे ये भी तो फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाती है सेकेंड, और कैन की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, तो आप कहोगे कैन की सेकेंड होती है कुड, कुड नॉट डू इट। ओके नेक्स्ट सेंटेंस है देखो, शी सीज कॉमा इनवर्टेड कॉमा ही इज अ गुड बॉय। अच्छा अब आप पाओगे देखो सीज एस ई एस लिखा है, इसका मतलब टेंस क्या हुआ अपने आप में, प्रेजेंट। और टेंस जब प्रेजेंट में है और आप कहोगे इसके बाद तो कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तो आप इसे क्या लिखोगे एज इट इज जो है वो लिख लो। कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाओगे तो क्या लिखोगे दैट। अच्छा ही क्या है अपने आप में, आप कहोगे थर्ड पर्सन। अब देखो एक चीज़ याद रखो, अभी तक हम क्या कर रहे हैं भाई, ये वाला जो फॉर्म थी हमने चेंज करके इधर फर्स्ट, जो फर्स्ट फॉर्म है उसे हमने सेकंड किया, लेकिन ये याद रखेंगे हम इसको सेकंड हमने तब किया जब आगे भी क्या था, तुम कहोगे सेकंड, आगे सेकंड था तब मैंने क्या किया इधर सेकंड किया। लेकिन अब इस समय पर देखो ये तो फर्स्ट फॉर्म है, ओके ऐसी ऐसी लगी हुई है, इसका मतलब प्रेजेंट के फॉर्म है। अगर ये प्रेजेंट के फॉर्म है तो आपको इधर भी सेकंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो है वही लिखोगे। समझ पा रहे हो ना किस तरीके से, अगर हम सेकंड इधर कब करते, जब इधर भी सेकंड होती है। अब देखो इधर सेकंड नहीं है तो आप इधर भी सेकंड नहीं करोगे, इसे भी आप एज इट इज रखो, और इसके बाद तो कोई दूसरा चेंज होने वाला वर्ड ही नहीं है, तो आप क्या रखोगे उसको जो है वो सेम लिखो। देखो नेक्स्ट सेंटेंस, शी विल से कॉमा इनवर्टेड कॉमा ही इज अ गुड प्लेयर। अब देखो सेंटेंस में क्या देखा है, विल, और विल दिया है तो आप कहोगे सेंटेंस क्या हुआ अपने आप में, टेंस क्या बन गया, फ्यूचर। से कौन सी फॉर्म है भाई, फर्स्ट फॉर्म। अब इसका ऑब्जेक्ट तो है नहीं, से का ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो क्या लिखते हैं, तो तुम कहोगे सेम लिख लेते हैं, राइट सेम लिखो। कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाओगे तो आप कहोगे दैट रखो। अच्छा दैट के बाद से क्या करोगे, देखो ही कौन सा पर्सन है, तो थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन नो चेंज। मैंने अभी आपको कहा अगर इधर सेकंड फॉर्म हो तो आप भी सेकंड करो, इधर देखो फर्स्ट फॉर्म ही तो है, से कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट, तो फिर आपको इधर चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। राइटिंग हम इसे सेकंड में तब बदलोगे जब आप इधर भी सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, राइट। अ गुड प्लेयर, इसमें कोई चेंज होने वाला वर्ड नहीं है, एज इट इज रख दो। ओके इस प्रकार से आप यानी क्या है सेंटेंसेस बनाओगे, और आगे थोड़ा सा इन पॉइंट्स को जो आपको बताए गए ना, इन्हें थोड़ा सा वीडियो एक से दो बार देखें, जैसे जो एक्सेप्शन वाला पॉइंट है वो आपको क्लियर हो पाए, उसे आप बेहतर समझ जाओगे, तो शायद मुझे लगता है कि आपको कोई रूल रेगुलेशन की रियल में कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके और ये सेंटेंसेस आप बना के देखें आगे, आपको अगली वीडियो में इसकी जो भी पार्ट्स अभी बाकी हैं और कुछ काफ़ी चीज़ों को डिस्कस करना है वो आपको अगली वीडियो में मिलेगा। ओके थैंक यू।